इधर देखो ना मम्मा, ए मम्मा चलो आज हम लोग जा रहे हैं सेकेंड डोज दिलाने बड़ी वाली को, क्योंकि इस बार हम लोग बारी बारी से दिलवाएंगे। फर्स्ट वाली को आज हम लोग लेके जा रहे हैं, छोटी वाली को छोड़ के जा रहे हैं हॉस्पिटल। अब हम लोग पहुँच चुके हैं और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो हम लोग वेटिंग लाइन पे हैं। मैं इधर देखो, मैं ए मम्मा, मम्मा कैसा रोई थी ना, कैसा रोई थी। इसको अभी जान इस बार वाला एक ही इंजेक्शन पड़ा है लेफ्ट साइड का एक जांग पे। मम्मा तो रोनी थी। घर पहुंचने के बाद दोनों साथ में खेल रही है, अभी तक तो कुछ वैसे प्रॉब्लम नहीं आया है उसको, तो वो भी एकदम पलटने में भी उसको ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। आजकल ऐसे जब छोड़ देती हूँ दूध पिला के तो दोनों अपने अपने में खेलते रहती है। यहाँ पे एक मैया को बैठा देते हैं, भूख लगता है तभी रोती है, नहीं तो वो दोनों चुपचाप ही रहती है ज़्यादातर। और छोटी वाली को तो कभी कभी समझ में नहीं आता, मूड कभी भी उसका चेंज हो जाता है और समझ में नहीं आता है कि वो किस वजह से रो रही है, क्या दिक्कत पड़ रहा है। ये हमें ऑइंटमेंट मलहम लेने के लिए बोली थी, ये पिछले बार का है और हमें इसे दिन में पांच बार तक लगाते रहना है। जब जब आपको याद आएगा, जब जब वो उठी रहेगी या फिर सोए रहेगी, तब भी हमें जिस जगह पे इंजेक्शन लगा हुआ है उसके किनारे किनारे एकदम सर्कल सा लगा देना है, उससे उसको मतलब हल्का लगेगा और पेन भी नहीं करेगा, रिलैक्स लगेगा उसको। तो ये हम लोग पिछले बार नहीं किए थे तो इसीलिए वो दोनों को थोड़ा सा तकलीफ हो रहा था, और इस बार जब से हम लोग मतलब घर लेके आए उसको टीका दिलाने के बाद से हम लगातार लगाते गए। इसका ना बचपन से ही बहुत पैर चलता है और अभी देखिए वो बड़ी हो रही है लेकिन फिर भी उसका पैर चलाना तो बढ़ते ही जा रहा है, और वो पाँव पकड़ के खेलती है। तभी हम लोग गए थे 1 बजे, मतलब 12 बजे लगभग गए थे, और अभी तक तो ऐसे उस बड़ी वाली को फीवर नहीं आया है। और आप लोगों को बताएंगे कि कितना टाइम, मतलब कितना वक्त के बाद उसको फीवर आएगा, तो अभी तक तो वो ठीक है। वो देखिए खेल रही है, वो देखिए खेल रही है। और आज एक ही इंजेक्शन पड़ा है, मतलब आज एक ही इंजेक्शन पड़ा और वो भी जांग में पड़ा था, तो उसके बाद आने के बाद तो वैसे हम लोग ऑइंटमेंट लगा दिए हैं और अभी तक तो ठीक है। उसके बाद बने रहिए लास्ट तक, मैं बताऊंगी कि कब उसको कैसे आएगा, कैसे आया फीवर, कितना टाइम को आया फीवर, तो वो मैं आपको बताऊँगी। अभी बज रहे हैं शाम के 6 और अभी तक भी बड़ी वाली को कोई फीवर नहीं आया है। तभी हल्का सा बहुत थोड़ा सा हाथ रख के और गर्म लग रहा था, लेकिन अभी तक भी कोई फीवर नहीं आया है, तो अभी उसके बाद भी हम लोग देखते हैं। रात पे सो गई आराम से और छोटी वाली भी सोई थी मेरे साथ, तो वो उठ गई, तो फिर वो बच्चों के साथ मैं दे दी हूँ बाहर पे, बाहर नहीं मतलब वही हॉल में, वो लोग स्टडी कर रही है तो फिर वो लोग के साथ है वहाँ पे, क्योंकि वो उठती है ना तो बहुत ज़ोरों से बात करती है, तो फिर इसको भी उठा देगी, तो अभी देखते हैं।
बाद में भी सोई हुई है तो पता नहीं चलेगा ना, तो फिर जब उठेगी तो तब पता चलेगा। तो उठती है तो और दिखाऊंगी मैं। मम्मा 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 उठ गई मम्मा, गुड मॉर्निंग मम्मा। लेफ्ट साइड वाला जो पैर है उसको दर्द हो रहा था क्योंकि उसी पे उसको टीका पड़ा है, तो और फीवर तो अभी तक आया नहीं है। अभी थोड़ा सा रो रही है, तो फिर अभी हल्का फीवर आ रहा है तो फिर वो पिला देते हैं। मम्मा यहाँ पे पकड़ने से दर्द दे रहा है, और जब खड़ा करवा रहे हैं तो तब भी दर्द दे रहा है ना मम्मा, तो खड़े होने पे भी उसको दर्द दे रहा है। अच्छा, कल का अभी इसको फीवर आ रहा है तो अभी ड्रॉपर से पिला देंगे इसको, पैरासिटामोल जो इसका बेबी वाला है ना, वो वाला हम लोग पिछले वाला टीका में हम लोग लेके आए थे, तो वही वाला भी पिला देंगे इसको, है ना मम्मा। अच्छा, थोड़ा सा मुंह बनाई थी लेकिन फिर भी पी ली। लग गया ना मम्मा वैक्सीन, लग गया वैक्सीन, लग गया ना मम्मा। हाँ, सेकेंड डोज लग गया। आय मम्मा, अच्छी। आज है सेकेंड डे और सेकेंड डे में हल्का फीवर आया है तो ये हंसते खेलते रह रही है। रामू शर्माते हुए, मम्मा ए मम्मा, हाँ अच्छी अच्छी मम्मा, अच्छी मम्मा। आए भाई होता ना, मेरे तो भाई ऐसा खुश हो रहे हैं ना मम्मा। हर दिन ये जब भी दूध बनता है वो ऐसे ही देखती है ना मम्मा। ओ अच्छा, अपना फेवरेट को देख रही है, इसको 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 देख रही थी।
मम्मा अभी इसको बनाएंगे, वो भी देखेगी। मुझे भी सर्दी हो गया है और मेरा आवाज भी पूरी तरह से चेंज हो गया है। मैं दूध बन रहा हूँ, दूध देख रही है। अच्छा 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 अभी टीका लगने के बाद तीसरा दिन चल रहा है और तीसरा दिन में भी इसको फीवर आ गया है। और ये देखिए अभी सो रही है, तो छोटी वाली थी तभी तो छोटी वाली सो मतलब हल्ला कर रही थी तो नहीं सो पा रही थी। और ये फीवर अभी तक उतरा नहीं है और आज थोड़ा ज़्यादा भी लग रहा है क्योंकि इसको सर्दी भी पकड़ लिया है और फिर सर्दी हो रही है तो हल्का हल्का खांसी भी हो रहा है, तो इस वजह से शायद फीवर हुआ होगा हमको ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर कभी कभी जांग भी टच हो रहा है तो उसमें भी दर्द दे रहा है उसको, तो जब ये ठीक हो जाएगी तो तब जाके हम लोग छोटी वाली को टीका दिलवाएंगे। सेकंड वो ये दोनों 5 बजे उठी थी और 5 बजे से उठने के बाद अपने अपने में बात कर रही थी तो फिर दोनों को ऐसे ही छोड़ दिए थे। फिर हम नाश्ता सब बना लिए। जब इसको बेड पे सुला रहे हैं ना तो फिर रोने लग रही है और फिर इसलिए गोदी में ही रखे हुए हैं क्योंकि बेड पे जब जब लेटा रहे हैं ना तो ठीक नहीं लग रहा होगा, तो इसलिए गोदी पे ही है। गोदी पे अभी सुला के फिर बेड पे सुला देंगे। बहुत ज़्यादा शरीर हीट हो गया है बड़ी वाली का और फिर बहुत एकदम आखिरी वाला जो गर्म होता है ना वो पूरा शरीर पे गर्म हो गई है, तो हम लोग बाहर ऐसे ही हवा लगने के लिए लेके आए हैं और बाहर में अच्छा लग रहा होगा तो वो शांत से है, थोड़ा घुमा ले रहे हैं बाहर में। बड़ी वाली को अभी सर्दी भी हो गया है और नाक भी बह रहा है और फिर खांसी भी हो रहा है, तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा फीवर आया है उसको। एकदम सिर बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा एकदम पूरा शरीर में। दवाई हम लोग लेके आए हैं और उसको लेके गए थे दिखाने के लिए डॉक्टरों के पास, तो हम लोग वहाँ से दवाई लेके आए हैं और हम लोग पिला रहे हैं अभी। और जब वो ठीक हो जाएगी, बड़ी वाली ठीक हो जाएगी, तो तब हम लोग छोटी वाली को लेके जाएंगे क्योंकि छोटी वाली को भी हल्का हल्का सर्दी हुआ है, तो सर्दी पे हम लोग देखे ये बड़ी वाली को देखे ना तो बहुत ख़राब लगा, आँख भी पूरा लाल लाल हो गया था। उसके बाद वो रात में बिल्कुल भी नहीं सोने सकती थी, गोदी पे ही रहती थी और थोड़ा सा भी मतलब बेड पर रख देते थे ना बहुत जोरों का रोती थी और रात भर वो सोने नहीं सकती थी। तो इसलिए जब छोटी वाली का सर्दी का हो जाएगा तो तभी हम लोग है तो बहुत दिन टाना हुआ है फीवर उसका, तो फिर अभी तक ठीक नहीं हुआ है पूरी तरह से और नाक भी बह रहा है, तो उस सब का भी हम लोग दवाई लेके आए हैं। आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग पर।